हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल अंडा मसाला। सो लेट्स बिगिन। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है रफली चॉप दो अनियन, दो टमेटोज़ उसको भी रफली चॉप कर लिया है, थोड़े से जिंजर और गार्लिक और मेलन सीड जिसे मगज़ बोलते हैं। और ये मसाले मैंने लिए हैं रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और एग्स लिए हैं जो बॉइल्ड है। अब इसमें क्या करेंगे, मैं एक वुडन स्कीवर के मदद से इसमें पियर्स कर रही हूँ। मैं इसमें पियर्स इसीलिए कर रही हूँ ताकि जब मैं इसे मसाले में डालूँ या जब मैं इसे फ्राई करूँ तो इसके अंदर मसाले अंदर तक जाने चाहिए। तो बिल्कुल इस तरीके से घुमा घुमा के हम लोग स्कीवर से पियर्स कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे गैस को कर लिया है ऑन, इसके ऊपर मैंने रख दिए वेसल। अब मैं इसे थोड़ा गर्म होने दूँगी। हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा लेना है क्योंकि सबसे पहले हमें अनियन और टमेटोज, जिंजर, गार्लिक और मेलन सीड्स को थोड़ा सा इसमें सॉटे करना है, इसीलिए ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे। अब इसमें मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी, अनियन ऐड कर दूँगी, उसके बाद गार्लिक, जिंजर। अब सबसे पहले हम ये तीनों भी चीज़ को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टोमेटोज जिसको मैंने रफली कट कर लिया है, और ऐड कर दूंगी मेलन सीड्स। ये मेलन सीड्स मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अब ये सारी चीज़ों को हमको थोड़ा सा सॉटे करके लेना है। जब तक सॉटे करना है जब तक हमारे जो अनियंस है वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए और टोमेटोज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए और उसका एक कलर रिलीज़ होना चाहिए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें से कलर रिलीज़ हो रहा है टोमेटो में से। ये प्रोसेस से हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसीलिए हम इसे पहले सॉटे कर रहे हैं। इसे मैं बस 5 मिनट ढक के पकाऊंगी। ये देखिए अनियन जो है काफ़ी हद तक ट्रांसलूसेंट हो चुकी है और टोमेटोज भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए ये परफेक्टली हो गया है जैसे मुझे चाहिए था। बस इसे और 2 मिनट में सॉटे कर लूँगी। अनियन भी ट्रांसलूसेंट हो गई है एंड टोमेटोज़ भी सॉफ्ट हो गए हैं। इस पूरे मिक्सचर को ठंडा होने के बाद ग्राइंड करना है, निकाल दूँगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए अब इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब मैंने वही सेम वेसल लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें एग्स डालेंगे जो हमने पियर्स करके रखे हुए थे, बॉइल्ड एग्स। एग्स को हमें यहाँ पे फ्राई करना है, सो मैं सारे एग डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। ये एग डालने पे ना ऑयल जो है ना काफ़ी ज़्यादा उड़ता है, तो मैं इसे ढक के फ्राई करूँगी और इसको हम बस थोड़ा सा टॉस कर लेंगे ताकि इवनली हर जगह एग पूरा फ्राई हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से। अब मैंने एग निकाल लिया है और उसी सेम वेसल में जो थोड़ा सा ऑयल बचा था एग फ्राई करने के बाद, मैं उसमें और ऑयल ऐड करूँगी अपनी ग्रेवी बनाने के लिए। सो यहाँ पे लगभग मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब जो हमने मसाला ग्राइंड किया हुआ था, जो हमने सॉटे करके रखा था, देखिए वो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल फाइनली ग्राइंड करना है, वो मैं ऑयल में ऐड कर दूंगी। अब ये पूरे मसाले को हमको अच्छी तरीके से पकाना है, भूनना है।
ये देखिए यहाँ पे मसाला जो है वो भून लेंगे हम लोग। यहाँ पे मसाला कुक होने लग गया है, इसको मैं ढक के कुक कर रही हूँ क्योंकि ये मसाला भी काफ़ी उड़ता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट के बाद इसको ढक्कन हटाया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो भी मेरे ड्राई मसाले मैंने बताए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से पकाऊंगी, मिक्स कर रही हूँ मैं यहाँ पे इसे। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से कुक करना है। इसका जितना भी रॉ अरोमा आ रहा होगा इस टाइम पे वो सब चले जाना चाहिए। तो इसे ढक ढक के पकाना है। इसे मैंने 10 मिनट ढककर पकाया है। आप देख सकते हैं इसमें जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है और मसाला काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गया है। ये देखिए पूरा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है अपने हिसाब से, मुझे ग्रेवी थिक चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा सा ही वाटर ऐड किया है। अब मैं इसे थोड़ा सा बॉईल होने दूंगी। मेरा मसाला यहाँ पे प्रॉपरली कुक हो गया है। वैसे भी हमने सारी चीज़ें जो है पहले से सॉटे कर ली थी तो इतना ज़्यादा इसे टाइम नहीं लगता कुक होने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं इसे और थोड़ी देर ढक के पकाऊँगी 5 मिनट के लिए। यहाँ पर ये बिल्कुल प्रॉपरली कुक हो चुका है। अब इसमें मैंने अपने फ्राइड एग्स डालने हैं। एक एक करके मैं एग्स ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। एग डालने के बाद हम इसे ज़्यादा स्पून से चलाएंगे नहीं, इससे हमारे एग टूट सकते हैं। सो बस स्लो फ्लेम पे हम इसे हल्के हल्के हाथ से मसाला और एग को मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इसे फिर मैं 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। अब ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया जिसे मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है कसूरी मेथी धनिया ये सब बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब हम इसे डिश आउट कर लिया है। ये हमारा ढाबा स्टाइल अंडा मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताइए कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।